महाराज चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य को कितना मानते हैं, इस बात से हर कोई वाकिफ है। सभी को पता है कि चंद्रगुप्त महाराज बनने के बाद भी गुरु चाणक्य की एक भी बात का उल्लंघन नहीं करते। वो हमेशा चाणक्य की नीतियों का पालन करते आए हैं और इसलिए चंद्र महाराज के तौर पर सर्वश्रेष्ठ भी माने गए। लेकिन चंद्र ने एक बार की चाणक्य की खिलाफत, और वो भी सीरियल चंद्र नंदिनी के अंदर। हमने देखा कि जब चाणक्य ने मना किया उसकी पितरी को बचाने से, तब भी चंद्र नहीं माना और लगातार चाणक्य से विनती करता रहा, लेकिन चाणक्य ने अभी भी इनकार कर दिया। लेकिन अब हमें लगता है कि शायद चाणक्य की इच्छा पूरी करने के लिए, जो कि वो चंद्र से नहीं कह पा रहे हैं, जो कि राजधर्म के आगे उन्हें रोक रही है, उसे पूरा करने को चंद्र नंदिनी को धोखा दे सकते हैं। नंदिनी ने जिस तरह का अपराध कर डाला है, यानी कि नंदिनी के पिता ने जिस तरह का अपराध कर डाला है नंदिनी की मांग करके, उसका बदला शायद चंद्र जरूर लेगा। अब नंदिनी से भले ही वो प्रेम करने लगा हो, लेकिन गुरु चाणक्य से ऊपर तो चंद्रगुप्त के लिए कोई नहीं है। अब भाई ये इंटरेस्टिंग टर्न तो आ गया है इस स्टोरी में, पर देखना दिलचस्प होगा कि नंद की ये जमान जिसमे उसने नंदिनी को मांगा है चाणक्य की बेटी के बदले, वो चंद्र पूरी कर पाएगा या चाणक्य उसे फिर से रोक देंगे। खैर क्या होगा क्या नहीं होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से दीक्षा की रिपोर्ट।